14 6 11 15 3 गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बनतर नू सरल ढंग नाल हमेशा अपने चेते विच रखन दा यह एक सरल सूत्र है। जेकर यह संख्या सानू याद हो जाती है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बनतर बारे मुढ़ला ज्ञान सानू कदे भी नहीं भुल सकता। 14 30 का अर्थ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1430 अंग हैं। 6 का अर्थ है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 6 गुरु साहिबान की अमृत बाणी विद्यमान है। ते 11 का अर्थ है कि 11 पट साहिबान की अमृत बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर बोलती है। 15 का अर्थ है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 15 भगतां या संतां की बाणी दर्ज है। 3 का अर्थ है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच गुरु घर के 3 श्रद्धालुओं की बाणी विद्यमान है। गुरु प्यारी साध संगत जी, 14 30 6 11 15 3 दे इस सरल सूत्र नाल भावी पीढ़ी और विद्यार्थियों सरल ढंग नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का मुढ़ला ज्ञान याद करवाया जा सकता है। इसका मैं प्रयोगी रूप अपनी सवेर की सभा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे जानकारी देंदे हुए अपने विद्यार्थियों ते लागू किया अते इस ते 100% सफल रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 14 30 6 11 15 3 ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਰਮਨ ਹੋ ਗਿਆ 14 30 6 11 15 3 ਬੇਟੇ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? 1430 ਅੰਗ ਨੇ, ਰਾਈਟ? 1430 ਅੰਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? Very good.
ਛੇ 11 ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 6-11 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-3 15 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ 3 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ।